तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस मैथमेटिक्स क्लास में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बड़ी ही शानदार तरीका से मैथमेटिक्स के एक एक कमियों को खुरेद करके आपको निकाल देंगे। टेंशन मत लीजिए, इस बार आपको बिहार टॉपर बनना है, तो मैथ से तो एकदम टेंशन फ्री रहिए, एकदम डायरेक्ट दिल और दिमाग में, नहीं गबड़ा गया, दिल और दिमाग में फिट कर देंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चन आपको डर लग रहा होगा इस क्वेश्चन को, बाप रे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा कि ये आ जाएगा। तो सोचिए ना हम कैसे सोच रहे हैं, यहाँ टेन लिखा है, यहाँ सेक और कौशिक मिलाना है। आप बताइए कि टेन यहाँ पे है, एक तरफ टेन और एक तरफ सेक, तो टेन का रिश्ता सेक से कराना है, बीच में कोई बिचवनिया है, तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन बट्टा कॉस, साइन बटा कॉस, और कॉस का रिलेशन सेक से होता है, साइन का रिलेशन कॉसेक से होता है, तो टेन का फॉर्मूला लगा दीजिए और इधर सेक में बदल जाएगा। तो डायरेक्ट जहां भी टेन देखिए इस लेसन में 8.4 में टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, LHS से हम चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, LHS से, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा और बट्टा वन माइनस ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इतना तो आप जरूर कर सकते हैं, प्लस इसको भी सॉल्व कर दीजिए, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और बट्टा में आराम से लिखिए, कोई हबड़ाई नहीं है यहाँ पे, वन माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इतना तो आप करते, हमको लाना है ये, टेंशन नहीं लेना है, जो काम है वो करते चलना है। यहाँ पे एज इट इज वैसे ही उतार दे रहे हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यहाँ बट्टा एक मन के इसको भी बट्टा का घटाव कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, ये काम जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं साइन थीटा, इतना तो कर सकते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पे जब करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा एज इट इज उतार दिए हम, और यहाँ पे कर दे कॉस थीटा, यहाँ पे होगा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना आप कर सकते हैं। और एक रूल होता है ऊपर और नीचे, ऊपर और बीचे बीचे नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर और नीचे ये चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों बीच वाला नीचे आ जाएगा, तो दोनों बीच वाला नीचे आएगा, तो देखिए यहीं पर आपको फंसेगा क्वेश्चन आपसे, यहीं पर साइन थीटा कॉस थीटा, इतना तो हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर नीचे, ऊपर तो कॉस डॉट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा, ये दोनों हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मिस्टेक आपसे होगा कहाँ, ये देखिए ये दोनों जो ब्रैकेट में लिखा है ये दोनों सेम नहीं है, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो ब्रैकेट में आपको दिखा है ये दोनों सेम नहीं है, आगे यहाँ साइन है और पीछे कॉस है, इसमें आगे कॉस है पीछे साइन है, और इसको हमको सेम बनाना है तो इसको आगे लाना पड़ेगा, और वो सिंबल, यहाँ सिंबल भी है, साइन इसमें माइनस में है और यहाँ कॉस माइनस में, उपाय एक ही तो है, अगर यहाँ पे हम माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, यानी कॉस हो जाएगा माइनस में, इस रूप में दिख जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसको वैसे ही उतार दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा, इसको भी वैसे ही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको वैसे ही उतार दिए ठीक, और प्लस जब इसमें हम लोग माइनस से गुणा करेंगे या माइनस को, दोनों आप कर सकते हैं, या तो माइनस से गुणा कीजिए या माइनस बाहर निकालिए, यहाँ माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, तो बचेगा क्या, ऊपर वाला तो वैसे ही हो जाएगा और बट्टा, ये जब माइनस यहाँ लगाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और इसमें हो जाएगा अब माइनस में कॉस थीटा, और ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में साइन थीटा, अब ये हो गया। अब देखिए तो माइनस में कॉस माइनस में सो प्लस में साइन प्लस में साइन, इसको थोड़ा सा अच्छा तरीका से लिख दो सजा करके, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस हो जाता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, इसको आगे लिख दो साइन थीटा, इसको पीछे लिख दो खूबसूरत दिखने के लिए, बाकी कुछ नहीं है ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, यही करना है, दोनों सेम नहीं है, या तो माइनस लगा दो और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, अब फिर एक बार बट्टा का जोड़ करना है ना, लंबा प्रोसेस, एक बार तो यहाँ किए दूसरी बार में यहाँ कर रहे हैं ठीक है, तो जब बट्टा का जोड़ करेंगे और सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा लंबा अब नहीं जाएगा, दोनों का एलसीएम तो ये तो दोनों सेम है, तो जो सेम होता है वो एक ही बार लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
और ई दोनों अलग अलग है तो जो एलसीएम नहीं होता है उसको गुणा में लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें इसमें भाग करोगे तो इससे ये कट जाएगा, कॉस से कट कर बच जाएगा साइन, साइन ए को और दो कितना हो जाएगा साइन का पावर तीन थीटा, वैसे ही ये करोगे तो हो जाएगा कॉस का पावर थ्री थीटा। इससे ये कटेगा साइन से साइन कटेगा बचेगा कॉस, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बहुत आसान है, देखिए तो सही, आप ये किसी फॉर्मूला पर सेट है और वो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो बात की बात है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है ए बी होता है, क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और बट क्या हम बताएं तो समझिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, पहले ये ए माइनस बी सिर्फ लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है। तो वही हम काम यहाँ पे कर दिए हैं। और देखिए ये वाला नीचे वाला वैसे ही उतार दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको कुछ दिख रहा है कटने वाला, ये दोनों सेम है, कट गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा क्या होता है वन, और प्लस यहाँ देखिए बच जाएगा, ये दोनों मिला के वन होता है, क्या होता है वन होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टा इसको उतार दो। अब देखो लाना क्या है, हमको लाना है वन सेक और कॉसेक, तो सेक कैसे आएगा, अगर ऊपर वन हो और नीचे कॉस हो तो वन बट्टा कॉस सेक आ जाएगा, फिर वन बट्टा साइन भी कॉसेक आ जाएगा। तो एक काम करते, ये प्लस है ना, ये दो हिस्सा में टूटा है, कितने हिस्सा में टूटा है दो हिस्सा में, तो एक बार एक को इसके नीचे लिख दीजिए, यानी एक बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये बोलता है कि जब तुम सबको लेगा तो एक बार हमको भी सबके साथ रहना है, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। इससे ये कट जाएगा एक बार में, और यहाँ साबित क्या हो गया देख लीजिए, एक ये पूरा का बट्टा एक बट्टा कॉस क्या होता है सेक थीटा, फिर एक पूरा का बट्टा है ना, तो पूरा का एक बट्टा साइन क्या होता है कॉस सेक, और प्लस ये दोनों कटा है तो क्या बचा है वन, और यही आपका हो गया आर एच एस पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत शानदार लगा होगा। तो अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग ये वाला देखते हैं, चार नंबर बहुत आसान, देखिए ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तीन नंबर वीवीआई क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी टेन देखिएगा तो उस समय साइन बटा कॉस फॉर्मूला लगे इस पूरे 8.4 में बाबू आपको हम बता दे रहे हैं। अच्छा आप बताइए, मैट्रिक आपको बहुत शानदार नंबर लाना है, मैथ में 100 में 100 लाना है, तो मेरे अकॉर्डिंग चलिए जिस तरह बोल रहे हैं वैसे मेहनत कीजिए। जब भी इस लेसन में साइन और त्रिकोणमिति वाला में जब भी बाबू आपको क्या मिले 10 मिले तो वहां डायरेक्ट फॉर्मूला साइन बट्टा कॉस लगाइएगा, क्योंकि उस समय आपको सेके वगैरह लाना होगा तभी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो बहुत आसान है, ये दो तीन लाइन का है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब थोड़ा सा हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, इस रिश्ते को कैसे करेंगे हम, ठीक है, आखिरकार इस रिश्ते का क्या नाम दें, है ना। तो यहाँ पे देखिए चार नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है चार नंबर, ये पूर्णतः आपका साफ हो गया और चार नंबर हो गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को उतारते हैं, वन प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए और बट्टा वन प्लस कॉस ए, यही तो है ना, ये दोनों को बराबर करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में नीचे लिखा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी एलएचएस यानी कि इस साइड वाला और इस वाला दोनों को बनाइए, अगर दोनों को बना रहे हैं इसको भी और इसको भी और लास्ट वाला दोनों का आंसर सेम आ गया तो समझ जाइए ये दोनों आपस में बराबर है, साबित हो गया। तो चलिए हम बनाते हैं, सेक है और यहाँ साइन और कॉस, तो सेक को किस में बदल सकते हैं साइन में कि कॉस में, कॉस में बदल सकते हैं तभी तो आएगा ना, तो इधर बनाइए वन प्लस सेक थीटा बराबर होता है वन बट्टा कॉस थीटा, कॉस ए दिया है और यहाँ पे सेक थीटा बराबर वन बट्टा कॉस ए, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलएचएस वाला है, बट्टा का कर लीजिए क्या जोड़ घटाव जो भी होता है, तो यहाँ पे कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वन, ठीक है, इतना तो जरूर आप कर सकते हैं। और यहाँ पे बट्टा ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ए, ठीक है। अब यहां देखिए सिंपल है, कॉस से कॉस खत्म हो गया, बचा का कॉस ए प्लस वन, एक तरफ ये बचा
अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ सॉल्व करने में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है और बट्टा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब यहाँ क्या कीजिएगा आप, एक काम कीजिए, इसको स्क्वायर डालिएगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि ए का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 रह जाएगा, एक बार प्लस में होता है, ये हो जाएगा कॉस ए और एक बार होता है माइनस में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और बट्टा नीचे क्या है, यहाँ नीचे थोड़ा देखिए यहाँ माइनस है तो हमको यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ माइनस होना चाहिए 1 माइनस कॉस ए। ठीक, इससे ये खत्म हो गया तो बचा का 1 प्लस कॉस ए। आप बताइए इस साइड वाला में उतना ही आया और इस साइड, इससे घबराना नहीं है कि कॉस ए आगे है, कोई दिक्कत नहीं है, LHS और RHS ये दोनों आपस में क्या हुआ बराबर, नहीं बायां पक्ष और दायां पक्ष ये दोनों क्या हो गया बराबर, तो ये भी हो गया PROVED प्रूव्ड, यानी साबित हो गया। बहुत आसान है कि नहीं मैथ्स, मैथ्स यहाँ उतार देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, और यहाँ उतारेंगे डायरेक्ट आप एग्जाम में, सब आपसे लाइन बाय लाइन से बनेगा, और जब आप पेपर सॉल्व करके आइएगा ना तो डायरेक्ट मतलब बहुत एक्साइटमेंट, आप एक्साइटेड रहिएगा अंदर से कि वाह मैंने तो सब कर दिया, और आपका 100 में 100 आएगा ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बड़े मज़ेदार तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम हलवा है और आपके लिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर 24 में एग्जाम देने वाले हैं ना तो ये क्वेश्चन का आने का चांसेस बनता है, और आएगा ही आएगा क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, यहाँ समझिएगा, आपको लाना है कॉसेक और कॉट। अब मामला क्या है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, मामला ही ना फंस रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाए कि कॉसेक और कॉट आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए बाबू, यहाँ समझिएगा, अगर कॉसेक और कॉट लाना है ना तो यहाँ थोड़ा देर के लिए देखिए, तो कॉस है आपके पास, साइन है, आखिर कॉसेक कैसे आएगा, कॉसेक कैसे आएगा, या फिर जो भी है तो यहाँ पे कॉट कैसे आएगा, हमको ये दो चीज लाना है, कॉसेक और कॉट। तो यहाँ देखिए, अगर ऊपर कॉस है नीचे अगर साइन लगा देंगे तो कॉस बट्टा साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। अगर यहाँ तब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी साइन लगाना पड़ेगा। देखिए कोई भी काम अगर अपने से करते हैं, आप खुद सोचिए कि कॉट कैसे बनता है, अगर ऊपर कॉस हो और नीचे साइन हो तो कॉस बन जाएगा, कॉसेक कैसे बनता है, ऊपर अगर क्या हो 1 हो और नीचे साइन हो तो क्या बन जाएगा, इसका मतलब कि दोनों जगह साइन अगर नीचे आ जाए तो क्या मिल सकता है, ये दोनों मिल सकता है, ये तो आप इससे कन्फर्म हो गए। तो यहाँ थोड़ा देर के लिए देखिए कि अगर सब जगह नीचे हम साइन से भाग कर दें तो जब इसमें भाग करेंगे ना तो पूरा इसमें भी करना पड़ेगा, अंश और हर दोनों में साइन से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपने से कोई भी काम करते हैं ना तो दोनों तरफ करते हैं, ऊपर भी इसमें भी करेंगे साइन से तो इसमें भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये गुस्सा नहीं हो जाएगा कि अपने से कर रहे हैं तो ऐसे काहे कीजिएगा, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नोमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी अंश ऊपर वाले को कहते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, तो आप बताइए जब भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कॉस ए, नीचे क्या हो जाएगा साइन ए, माइनस ऊपर हो साइन ए बट सब में नीचे साइन ए हो जाएगा और प्लस 1 बटा साइन ए। लो भाई इसके नीचे भी साइन, सबके नीचे, और मेन ये हो गया बट्टा, फिर ये भी लिखना पड़ेगा, अब मजबूरी है तो लिखना ही ना पड़ेगा क्योंकि आप तो कुछ कर्मकांड कर दिए हैं, साइन ए और प्लस साइन ए बट्टा साइन ए और माइनस 1 बट्टा साइन ए, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, LHS से चल रहे हैं, RHS ला देंगे, ये वाला आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉस बट्टा साइन आपका हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट ए और प्लस और प्लस, यहाँ देखिए साइन से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 और प्लस, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक, 1 बटा साइन होता है कोसेक ए, 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक ए और बट्टा, इतना आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे यहाँ पे भी वही काम, ये हो जाएगा कॉट ए, इससे ये खत्म, तो बचेगा यहाँ पे 1 और माइनस 1 बट्टा साइन क्या होता है कॉसेक ए बचेगा। यहाँ एक चीज सोचने वाली बात है, हमको जो ये लाना है ये ऐसा नहीं है ऊपर है बट्टा में नहीं है, ऐसा तो नहीं ना है,
कॉसेक ए और ए बट्टा में तो नहीं ना है, किसी के बट्टा में नहीं है, हमको ऊपर लाना है। इसका मतलब कि ये नीचे का पूरा अगर साफ हो जाएगा ना, कट जाएगा तो ऊपर, आप देखिए यहाँ पे कॉट आ गया है कि नहीं, कॉट आ गया है, ये कॉसेक आ गया है, कॉसेक आ गया है। अब बच गया है एगो एक, और ये नीचे का अगर पूरा कट जाए तो ये दोनों आ गया। इसका मतलब कि नीचे वाला को कटाना पड़ेगा, नीचे वाला यानी ऊपर अगर इसी के तरह सेम दिख जाए, ये वाला जो नीचे लिखा है ना कॉट ए प्लस वन माइनस ए, अगर ये ऊपर रहता ना तो काट देते आराम से, अब वन हट जाता तो ये दोनों आंसर आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन इसमें अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वजह क्या है बाबू, क्योंकि ये दोनों आ चुका है, हम जो करेंगे वन में करेंगे। तो आप बताइए कि वन में कुछ ऐसा करो कि उसमें कॉट आ जाए और कोसेक आ जाए ताकि ये दोनों कट जाए। तो वन का फॉर्मूला एक होता है, आप याद कीजिए, फॉर्मूला की एक प्रेम कहानी थी जिससे आपको मोहब्बत जरूर हो गया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अगर नहीं देखिएगा ना तो बाबू पूरा फॉर्मूला रटना पड़ेगा। अगर उसको देख लेते हैं तो हम लिख के देते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको दोबारा फॉर्मूला रटने की और पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा मजेदार ट्रिक है। ठीक है, यहां देखिए एक फॉर्मूला होता है वन के टर्म में, कॉट हो गया ए माइनस वन बराबर, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है। एक काम करते हैं, उससे अच्छा हम ये दोनों को पहले पास में लिख देते हैं, ऐसे लिख दें। पास में लिखने का मतलब ये हो जाएगा कोसेक ए, ये दोनों को पास में, और माइनस में वन के जगह लिख रहे हैं कोसेक सी ओ एस ई सी, कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं लिखें ए लिखे, हम दोनों को पास में लिखे और वन के जगह इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए और बट्टा, इसको वैसे ही उतार देते हैं कॉट ए, क्योंकि ऊपर इसको कटाना है हमको। ठीक है, जब बलि के बकरे को तैयार किया जाता है ना तो वैसे ही चुपचाप छोड़ दो, क्योंकि बलि तो चढ़ना ही है, इसको कटना ही है। यहाँ देखिए इसको एज इट इज वैसे ही लिख दो, सी ओ ए सी ओ टी ए कॉट ए और प्लस सी ओ एस ई सी कॉसेक ए। यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे है, जब भी स्क्वायर में तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में होता है ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक होता है कॉसेक ए प्लस बी और ए माइनस बी और बट्टा, इसको वैसे ही उतार दो क्योंकि इसको बलि का बकरा है ये, इसको तो यहाँ कटना ही है, इसको कटना होगा। यहाँ देखिए, ये देखिए ग्रुप यहाँ पे दो है, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, दोनों में मेन कॉमन क्या है, इसमें भी ये वाला मिल रहा है, समझिएगा यहाँ ध्यान से समझिएगा। ये देखिए ये मेन माइनस है, यहाँ मेन थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, माइनस हो गया। ठीक, एक हिस्सा उधर और एक हिस्सा इधर, ये दोनों हिस्सा में सेम क्या दिख रहा है, तो ये दोनों हिस्सा में इसमें और ये दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों को बाहर निकाल लो। तो जब इसको कॉमन ले लीजिएगा, यानी कि सी ओ टी कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में सेम मिल रहा है, इसको जब बाहर निकाल लीजिएगा तो इसमें हट गया तो यहाँ बचा वन और माइनस, और यहाँ से ये हट गया तो बचा क्या, सी ओ एस ई सी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही बचा है ना। और बट्टा में यहाँ समझिएगा ध्यान से, और बट्टा में क्या बचा, तो हो जाएगा जो नीचे है वही कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। क्या ये दोनों अभी सेम आया है, यहाँ कॉसेक माइनस में है कॉट प्लस में है, इस माइनस से गुणा कर दीजिए तो हो क्या जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए वन माइनस कॉसेक कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और बट्टा में नीचे क्या आ गया, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, ये दोनों सेम है, खत्म हो गया। सेम कैसे है, वन ये प्लस में, ये भी वन प्लस में, कॉसेक माइनस में, कॉसेक माइनस में, कॉट प्लस में कॉट, ये खत्म हो गया और बच गया हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही आर एच एस मिला, आर एच एस, और यहाँ पे लिख दो पी आर ओ बी टी, प्रूफ लिख देना या आर एच एस लिख देना, तो इस तरह से ये बनेगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन समझिएगा ना ध्यान से कि क्यों परिवर्तन किए, हमको नीचे वाले को कटाना था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, यही दोनों बचा लेना है। इसको बचाते हुए तो वन के टर्म में कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढे जिसमें ये दोनों आता है। तो याद करो, हम आपको ट्रिक बताए थे कि वन के टर्म में एक फॉर्मूला होता है,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, वही वन के जगह पे इधर साइड में करके लिख दिए, उसको कहाँ लिख दिए साइड में, और उसको सॉल्व किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस तरीका से आपको ये देखिए एक बार में समझ नहीं आएगा, इसको बार बार रिपीट करके एक से दो बार और वीडियो देखिएगा ना इसको पीछे करके, तो आपको डीपली समझ में आएगा बाबू मैथ बहुत आसान है। ठीक है, जब समझा रहे हो तो समझ में आएगा, लेकिन जब आप बनाइएगा ना कॉपी खोल के तो फंस जाएगा, लो सर क्या बताए थे, और आप में क्या बहुत अच्छा एक कमी है, आप जब भी बनाते हैं ना तो कॉपी फेयर के पास में रख लेते हैं, और जैसे ही आप देखते हैं कि फंस गया तो एकदम मार के ऐसे देख लेंगे, एकदम देने देर चढ़ देख लेंगे पढ़ दे उतार देंगे। आप तो बहुत चालाक है ना, ठीक, आप समझते हैं कि हमको समझ में आ गया ना, लेकिन नहीं बाबू, वो जो थोड़ा सा देखने की बीमारी है ना बड़ी डेंजर होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा देखने की बीमारी मत रखिए, दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, कॉपी से मत छापिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए तब जाके मार्क्स आएगा, टॉपर बनना है ना तो टॉपर की तरह काम कीजिए। ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए और फिर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं, चलिए इसको हम मिटाएं और ये क्वेश्चन बनाएं। बहुत आसान है ये, तो सबसे आसान है, सबसे बड़ा पनौती रूट होता है, याद रखिए सबसे बड़ा पनौती रूट होता है, पहले हमेशा रूट का काम करो, हमेशा पहले किसका काम करो रूट का, बस आपका आंसर एकदम देने देर आ जाएगा। सेक ए प्लस टेन ए, यही ना लाना है, यहाँ देखिए जब भी रूट दिखे तो क्या करते हैं परमेकरण उसका करते हैं, परमेकरण का मतलब रेशनलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए जब भी रूट देखे तो परमेकरण ही बता दे रहे हैं क्या होता है, यहाँ बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको वैसे ही उतार दिए, अब समझिएगा परमेकरण, यही चीज को नीचे वाले को ऐसे दो बार लिख दो, लेकिन यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना बार लिख दो बार, वन प्लस साइन ए, और ये भी हो जाएगा वन प्लस साइन ए, माइनस है तो यहाँ दोनों जगह प्लस, यहाँ प्लस है तो दोनों जगह माइनस हो जाता है, इसको परमेकरण कहते हैं। रूट को हटाने का कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, ये दोनों ऊपर वाला सेम है तो कोई भी चीज सेम होता है तो उसको दो बार लिख सकते हैं स्क्वायर में, अंडर रूट अलग अलग कर दिए, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये दो बार है, और यहाँ देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, एगो प्लस में माइनस में एगो प्लस में, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए। ठीक, स्क्वायर से रूट खत्म, लेकिन आप गलती क्या कीजिएगा, कहिएगा सर हम इससे ये स्क्वायर हटा देते हैं और इससे इसके लिए हटा देते हैं, ये भी तो बाहर हो जाएगा, अच्छा तो माइनस क्या करेगा, आप कभी ऐसा, तो ठीक है वन हटा दिए तो ऐसे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, लीजिए देखिए, अब ये माइनस अपना क्या करेगा, इसका छोड़ दिए, काम निकल गया तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है, पूरा का होल स्क्वायर रहेगा ना तब स्क्वायर से पूरा का पूरा हट जाएगा, ये पूरा का होल स्क्वायर नहीं है इसीलिए ये नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ऊपर बचेगा वन प्लस साइन ए और बट्टा, ये देखिए वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए, आप बता स्क्वायर नहीं होगा, इसका कोई फॉर्मूला होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस प्लस वाला काम हट गया तो वन प्लस साइन ए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो बच गया कॉस ए। अब देखिए ये दोनों का बट्टा नहीं, वन और साइन दोनों का बट्टा साइन है तो दोनों में हो जाएगा झगड़ा, और एक बार वन कॉस के साथ जाएगा एक बार साइन कॉस के साथ जाएगा, तो एक बार हो गया वन बट्टा कॉस ए प्लस साइन बट्टा, ये हमेशा ऐसे होता है कॉस ए, वन बट्टा कॉस क्या होता है सेक ए होता है, साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन ए होता है, तो शायद हम लोग ला चुके हैं, देखिए यही तो लाना था ना यहाँ पे, तो एल एच एस से हम लोग चले और आर एच एस ला दिए, आर एच एस ला दिए, तो हो गया इसका आंसर प्रूफ, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान होता है मैथमेटिक्स, काहे नहीं आप समझते हैं बाबू, बहुत आसान होता है, और पता है बहुत अच्छा नंबर आएगा, पूरा का पूरा फैंस फॉलोइंग आपका बढ़ जाएगा जब आपका रिजल्ट जबरदस्त आएगा, तो याद रखिएगा आप मेहनत कीजिए बस, किसी भी भावनाओं में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे लाख हसीनाएं मिलेगी, काहे घबरा रहे हो। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन समझिएगा बड़ी आसान क्वेश्चन है और बहुत इजी है, इसका दो तीन लाइन में आंसर हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट क्या साबित करना है, टेन ऊपर है साइन नीचे है कॉस, साइन वाटा कॉस क्या होता है टेन, लेकिन कहिएगा सर और सबका क्या करेंगे, अचार डालेंगे, अचार नहीं डालना है, क्वेश्चन बनाना है, समझिएगा कैसे, देखिए यहाँ पे इधर ऊपर साइन है नीचे कॉस है, साइन बटा कॉस टेन होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता है ना, ये दोनों सब में साइन ऊपर मिले तो सब में से साइन कॉमन ले लो, ऊपर वाले में से साइन बाहर निकाल लो, अगर ऊपर वाले में से हम साइन इससे चल रहे एल एच एस से चल रहे आर एच एस आ जाएगा, ऊपर साइन थीटा अगर निकाल लेंगे तो यहाँ से साइन हट गया तो बचा वन, कुछ नहीं बचता है तो वन लिखते हैं, और यहाँ तीन ठो साइन है, एक ठो साइन निकल गया तो बच गया टू साइन स्क्वायर थीटा, हो गया सिंपल, अब तो बन ही जाएगा, और यहाँ देखिए दोनों में कॉस कॉमन है, कॉस बाहर निकाल लीजिए कॉस थीटा, तो यहाँ दो ठो था एक ठो निकल गया तो कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पावर तीन है ना तो पावर दो बचेगा, और यहाँ से कॉस हट गया तो बचा वन,
अब देखिए लड़का, यहाँ आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, किसी तरह प्लस माइनस क्या क्या अपने से कर लेते हैं, इसको काट देते हैं, कहते हैं सर हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ऐसा होता है ठीक है, कोई ना कोई अपने से दिमाग लगा देते हैं, अपने से कुछ खास दिमाग नहीं। देखिए ये दोनों को सेम कीजिएगा तब ना कटेगा, सेम कीजिए ना, कॉस क्या साइन में नहीं बदल सकता है। आप स्क्वायर ग्रुप याद कीजिए, जब भी आप स्क्वायर देखिएगा तो स्क्वायर ग्रुप सोचिएगा, तीन ही ठो मात्र ट्रिक बताए थे उसमें, एक ठो ट्रिक बताया था जिसमें तीन फॉर्मूला याद हो जाएगा, और वो तीन नहीं 30 फॉर्मूला याद हो जाएगा एक ही टो ट्रिक से। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट खोल करके चेक तो कीजिए ठीक है। जब भी यहाँ स्क्वायर देखिएगा सोचिएगा पक्का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला साइन बट्टा कॉस, ये इसको छूचा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस क्या हो जाता है टेन हो जाता है ठीक है। वन माइनस टू इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर इसका चलिए इसी का लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर ग्रुप से मिला है, एक को बदल दीजिए और ऊपर है कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों कटने वाला है, कटना तो पड़ेगा। यहाँ देखो साइन थीटा, क्योंकि हमको ये मिल चुका है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ठीक। यहाँ देखिए वन माइनस ब्रैकेट के साइड में जो भी होता है अंदर गुणा होता है, दो में एक से गुणा कीजिएगा तो दो हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, दो में कॉस है तो टू कॉस स्क्वायर ए, इतना तो हो गया ना, और नीचे जो बचा है उसको उतार दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है ठीक है। वन ये थीटा छूट रहा है, कैसे छूट गया, ऐसे छूट गया। यहाँ देखिए ऊपर वाला उतारिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए क्योंकि इसी में है, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में वन बचेगा माइनस, यहाँ समझिएगा। या फिर एक और उपाय है सुनिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस टू में वन से तो माइनस टू, या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू में से वन जाएगा तो वन, वो भी माइनस में, अब प्लस हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अच्छा ये देखिए तो दोनों सेम दिख रहा है क्या, माइनस में यहाँ वन है, यहाँ भी माइनस में वन है, बढ़िया से लिख दें, हो गया यहाँ टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, यहाँ भी, तो जब दोनों सेम दिख रहा है तो खत्म। लेकिन आप क्या करेंगे, यहीं कुछ दिमाग लगा देंगे, कुछ कुछ गलत सलत जो भी है ठीक है, या किसी तरह काट देंगे सर आंसर आ गया, नहीं सॉल्व करो, साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन थीटा, ये क्या मिल गया आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड से चले और आर एच एस राइट वाला मिल गया। तो इसको एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, बहुत शानदार है, हलवा समझते हो ना, हलवा ना खाया हो का जी, सूजी वाला वही, बहुत आसान है बाबू, इससे तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कुछ खास ये पूछता नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा है ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, लड़का कोई ना कोई दिमाग लगा के काट के लिख देगा सर साइन बटा कॉस टेन होता है, बात समझ में आया तब वो ठीक है, ना समझ में आया तब वो ठीक है। यहाँ समझिए, अब थोड़ा सा ये एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लिए तो थोड़ा बहुत हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, चलिए यहीं पर ध्यान देते हैं। आप बताइए कि इतना से चल के लाना क्या है, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसमें तो सिर्फ स्क्वायर ग्रुप का फॉर्मूला लगेगा, अगर वो ग्रुप याद है आपको तो मामला को सेट कर दो, वही ना ट्रिक था जी, मामला को सेट कर दो ट्रिक, तो जाकर के एक बार देखिए उस हिसाब से देखो, तो देखो ये किस तरह दिख रहा है आपको, आपको कैसा लग रहा है, क्या लगा सकते हैं, ऐसा लग रहा है ना कि दोनों को ऐसे होल स्क्वायर किया, यानी ए प्लस बी के द होल स्क्वायर, तभी तो यहाँ सेवन लाना है, नंबर क्या लाना है सेवन, तो काम करते हैं ए प्लस बी के द होल स्क्वायर यहाँ से तोड़ते हैं ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, यही तो होगा ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लिए हम ए, इसको मान लिए हम बी, और तब जाके इसको तोड़ दिया, वैसे ही इसको भी मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना तो आप कर सकते हैं, इस दोनों को a प्लस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। यहां देखिए साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, ये दोनों पास में रहेगा तो क्या हो जाता है वन हो जाता है, और प्लस यहां पे बचेगा सी ओ ए सी सी कॉसेक स्क्वायर a प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉट कॉसेक थीटा। आप याद कीजिए दो ही ठो मात्र ट्रिक बताएं कि एक मल्टीप्लाई ग्रुप है और एक स्क्वायर ग्रुप है, मल्टीप्लाई ग्रुप में भी क्या होता है साइन और कॉसेक मिलता है, तो ये दोनों का मिला करके क्या बन जाता है वन हो जाता है,
और यहाँ पे प्लस सेक उतार दीजिएगा ए, और ये कॉस और सेक दोनों मिलके क्या बन जाता है, ये भी वन बन जाता है, तो ये भी हो जाएगा टू इंटू वन। ठीक है, वन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, दो एकम दो प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये दो, दो और दो चार और एक पाँच, हमको अभी तक पाँच नंबर मिल गया। कितना नंबर मिल गया, पाँच नंबर मिल गया। अब लाना और दो है ताकि कितना आ जाए, सात आ जाए। लाना है आपको कितना, समझिएगा, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, पाँच आ गया है ना। अब बताइए किसी फार्मूला में कॉसेक या सेक को टेन में बदल सकते हो या फिर कॉट में, तो मामला को जब हम लोग सेट कर दो ट्रिक बताए थे ना, तो यहाँ सेक थीटा हुआ था, यहाँ टेन थीटा हुआ था, यानी सेक बदल सकता है किस में, टेन में, तो इसका मतलब कॉसेक कॉट में बदल सकता है, तो बदलता है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है वन, यहाँ पे क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इसका होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पाँच और एक छः और एक कितना हो गया, सेवन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यही तो लाना था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ ही गया। अब इधर उधर हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आर एच एस लिख दो, बड़ा लिखो आर एच एस, आगे कि नहीं, एल एच एस से हम लोग बनाएं और क्या ला दिए, आर एच एस ला दिए। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एक बार पूछा गया, कितना बार, एक बार, बस ए प्लस बी के द होल स्क्वायर पर तोड़ के इसको हम बना दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स से दिल लगाना है, और दिल लगाने की जहाँ बात आती है ना, वहाँ तो हम लोग एक्साइटेड ही रहते हैं। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।